शिविर की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर प्रहार की है। सीएम गहलोत ने कहा कि ये लोग हमारे खिलाफ करप्शन को लेकर प्रस्ताव पास कर रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार ने करप्शन को लेकर रिकॉर्ड कार्रवाई की है। बीजेपी में दम है तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रस्ताव पास करके दिखाए। एक रिपोर्ट देखिए जरा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अब प्रदेश की राजनीति ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुट गई। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी ने राजस्थान में जीत की कोशिशें भी शुरू करते हुए नया प्लान बनाया है। प्लान के मुताबिक बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में गहलोत सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया है। इस पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पीसीसी दफ्तर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आते ही भूखे भेड़िए जैसी स्थिति बन जाती है। इनके राज में करप्शन 10 गुना बढ़ा है। हम पर आरोप लगाने वाले ये लोग खुद करप्ट है। जब से सरकार बनी हमारी, तब से अगर मिला है अधिकांश संख्या दी गई है। अब जो केंद्र सरकार और इंडियन सर्विस होती है, कुछ केंद्र सरकार में जाती है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पर जो 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 छापे पड़े यहाँ पर, ये चाहते हैं कि ACP डीमॉडल हो जाए। ये जो आप प्रस्ताव की बात करो ना, इसमें इनका षड्यंत्र है। ये चाहते हैं क्योंकि इनको पता है वहाँ सरकार चली गई, तो अगर करप्शन की बात करेंगे तो हो सकता है यहाँ की सरकार डिस्टर्ब हो जाए। हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं, हम पूरी तरीके एक्सपोज करेंगे। तुम गए कहाँ थे 5 साल तक? क्या तुमने विपरीत भूमिका अदा करी है? बताए जनता को। ये इनका प्रस्ताव झूठ का पुलिंदा है। ये घबराए हुए हैं, इसलिए इनके पास कोई इश्यू ही नहीं है, इसलिए अब ये करप्शन की बात करते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी में दम है तो गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रस्ताव पास करके दिखाए। प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रस्ताव पास करे कि मुंबई में बनाई गई कंपनियों में कितना लेन देन हुआ, किस तरह से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का पैसा ठगा गया। गांधी परिवार के खिलाफ में जो ये बयानबाजी करते हैं, इतना डर क्यों लगता है गांधी परिवार से? इतने भारी बहुमत से मोदी जीते हैं, फिर गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इन बीजेपी वालों को सपनों में ही राहुल गांधी आते हैं। और पहले पंडित नेहरू को इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जो देश की बुनियाद रखने वाला व्यक्तित्व था, दुनिया में जिनका नाम है, उनके ऊपर कितनी छिछलीदार बातें की गई सोशल मीडिया के अंदर। ये सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये राजीव गांधी के देन है देश को। वही 2000 के नोट बैन मामले पर सीएम गहलोत ने कहा कि पहले जब नोटबंदी की गई, उसका हिसाब इन लोगों ने आज तक नहीं दिया। अब 2000 के नोट में कितना खेला होगा यह किसी को नहीं पता। अभी 2000 रुपए के नोट का जो हुआ आपका, ये बंद हुआ है भाई, मैंने क्या करते मालूम आपको? बैंक वालों करप्ट कर दिया। जैसे बजरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट केस डिले हुआ आने में फैसला, उसके कारण हमारे पुलिस के अधिकारी करप्ट हो गए, माइनिंग के तो थे ही थे, ट्रांसपोर्ट के हो गए। उसी प्रकार से ये जो नोटबंदी करी थी ना, तो गए आप वहाँ पे बैंक के अंदर, बड़ी रकम लेके गए, उनके लिए आगे लाइन की जगह नहीं थी खड़ा होने की, उनके लिए पीछे का दरवाजा खुला था। जाओ, उदाहरण के रूप में आप 1 रुपये दो, 1 करोड़ रुपये दो, 1 करोड़ पुराने नोट दो, 5-2 हज़ार के, 2 हज़ार के नोट आपको नया आके रखे, 70% की गड्डी अलग बनाई, उसको धक्का दिया, जाइए ले जाइए इसको, और 30% वही रखे बांट लो ऑफर के अंदर। धंधे चले पूरे देश के अंदर, बैंकों के अंदर, नहीं भूलना चाहिए। अब ऐसे ही इस खेल के अंदर होगा, पता नहीं लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे, लोग कितना इकट्ठा ये कर पाएंगे पता ही नहीं लोगों का। इतने खतरनाक लोग हैं, कितना पैसा इकट्ठा करेंगे 2000 के गेम के अंदर, उसका तो हिसाब आज तक दिया नहीं। ना ब्लैक मनी, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना फेक करनी खत्म हुई। पूरा पैसा मार्केट में था, पूरा पैसा जमा होगा RBI के अंदर। ये लोकसभा के आंकड़े हैं। अब इस नए खेल के अंदर हमारे ऊपर तो बंदिश कर रखी है, चंदा कोई दे नहीं सकता पार्टी को, बराबर का फील्ड है नहीं लड़ने का। तभी जनता का साथ हमारे साथ में है, जो करोड़ों की जनता बता दिया, धनबल की परवाह नहीं करी, भारी बहुमत जीता है उन्होंने। ये स्थिति राजस्थान बनेगी, स्थिति हिंदुस्तान बनने वाली है। इसलिए ये कितने करप्शन कर ले, काम नहीं चलने वाला। 2000 के खेल के अंदर कितना खेला होगा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करप्शन को लेकर बीजेपी पर खूब प्रहार किए। अपनी सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए और बेबाकी से जवाब भी दिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।